अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज मैं जैम बनाने जा रही हूँ चना मसाला। बहुत इजी और सिंपल है, तो मैंने फ्लेम पे कुकर चढ़ा दिया है और इसमें डाल रही हूँ ऑयल, ये जब गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल रही हूँ प्याज, चना को मैंने रात भर फूलने के लिए भिगो दिया था। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है कि चना मैं संडे को फूलने दी थी, जो मैंने बनाया नहीं, आज मैं इसे बना रही हूँ। आज है मंडे। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो प्याज यहाँ लाल होने पे आ गया है और चना का पानी मैंने निकाल दिया है और थोड़े से चने में पीस के रख ली हूँ। इससे क्या है कि ग्रेवी बनता है चना में, तो चना मसाला बहुत टेस्टी होता है। तो मैं डाल दूंगी चना, इसके बाद मैं डालूंगी जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सबको मिला दूंगी। उसके बाद डालूंगी नमक, अब लास्ट में मिला दूंगी पिसा हुआ चना। बहुत ही सिंपल और इजी है, खाने में बहुत टेस्टी है, घर पे जरूर बनाएं। आप इसे चावल पे भी खा सकते हैं, इवनिंग में अगर नाश्ता की तरह आपको बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बस इसको मिला लीजिए और इसमें डाल दीजिए पानी, कर दीजिए मिक्स और लगा दीजिए। चना को गलने के लिए मुझे 5 सीटी लगाना है। जब चना बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए चना मसाला बन के हो गया तैयार। जो मैं लंच में यूज करूंगी और जो बच जाएगा वो मैं बनाऊंगी शाम का नाश्ता। गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं 5, शाम के 5, और अगेन मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है और मैं इतनी अच्छी नींद में सोई हूँ ना, आज थक गई थी। दोपहर को हम लोगों ने खाया था दाल चावल और चना मसाला और करेले का सब्जी। तो चना मसाला थोड़ा बच के आया था, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उस बचे हुए चने मसाले को मैं किस तरह टेस्टी शाम का नाश्ता बना दूँगी। तो मैं उसमें क्या क्या चीज़ मिलाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं अभी चाहूँगी चाय पीने। हर दिन ग्रीन टी पीती थी, बट आज मुझे दूध की चाय पीने का बहुत मूड हो रहा है। मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ इतनी हवा चलती है, इतनी हवा चलती है कि हर टाइम लगता है बस कपड़े उड़ जाएंगे। मैंने कपड़े डाल के रखा, आप देख सकते हैं किस तरह ये मूव कर रहा है।
शाम होते होते बहुत हवा चलने लगती है, अच्छा लगता है। थोड़ा 11-12 बजे थोड़ी कम हवा चलती है, पता नहीं क्यों, रीज़न क्या है नहीं मालूम। चलिए मैं चढ़ाती हूँ चाय और फटाफट बनाती हूँ चने का नाश्ता। ये पोहा को मैं तेल में भून लूंगी, इसे पफ राइस भी कहते हैं, पोहा भी कहते हैं और चूड़ा भी कहते हैं। तो इसे मैं अच्छे से भून लूंगी। तो यहाँ चाय बनके हो गई है तैयार और इसे मैं ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। तब तक मैं झटपट यहाँ पे बना लेती हूँ चना मसाला, मैंने यहाँ सारी तैयारी करके रखी हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है ये जो पफ राइस है, इसे मैंने तेल में भून दिया है, मैंने आपको दिखाया इससे पहले। और ये है धनिया पत्ती, मिर्च और प्याज, इसे काट लिया है। और ये मैं कढ़ाई जिससे ये भी मैं यूज़ करूँगी। तो सुबह में मैं चना बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा कच्चा चना भी रख दिया था, काफ़ी टेस्टी लगता है कच्चा चना अगर साथ में मिल जाए। अक्सर रमज़ान में हम लोग इस तरह का चना बनाते हैं। और ये बचा हुआ है चना, तो ले लेती हूँ मैं यहाँ से चम्मच और लेती हूँ चना। और इसके बाद मैं लूँगी थोड़ा कच्चा चना, डाल दूँगी थोड़ा प्याज, हरी मिर्च, मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है इसलिए मैं पूरा डाल रही हूँ, धनिया पत्ती और पफ राइस। ये चना पूरी तरह ढक जाए और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सेव, उसके बाद मैं डालूंगी ये नींबू, अगर आपको नमक थोड़ा कम दिखे तो मैं ले लेती हूँ काला नमक और डाल दूंगी इसमें। बस आपका चना मसाला तैयार हो गया। मैं टेस्ट करके बताती हूँ। अगर आपके पास मूंगफली है, तो इसमें मूंगफली भी डाल दीजिए, मेरा मूंगफली है तो आप इसमें मूंगफली भी डाल दीजिए। आओ खुल जा खुल जा खुल जा, खुल गया। मैं ये मूंगफली भून कर रखी थी, अक्सर पोहा और साबूदाना में यूज़ होता तो मैं भून के रखती हूँ, तो थोड़ा सा मूंगफली तो ऊपर से डाल दीजिए। अब इसको टेस्ट की, बहुत टेस्टी बना है। अब मैं ले लेती हूँ अपनी चाय। थोड़ी देर चाय ढक देने से इसका चाय पत्ती का पूरा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा चाय को ढक देती हूँ। बस आज की वीडियो में कहीं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, और अगर आपको थोड़ा सा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाती रहूँगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में।